Welcome back to this morning meditation time. और फिर से मैं स्वागत करता हूं आप सबका इस सुबह के मनन में ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका अभिवादन करता हूं डोंट बी अफ्रेड आप डरे ना वी आर इन द प्रेजेंस ऑफ अ वेरी लविंग केयरिंग हेवनली फादर हम तो एक चिंता करने वाले प्रेम करने वाले स्वर्ग पिता के सम्मुख हैं टुडेस मेडिटेशन इज टाइटल्ड यू कैन एंड यू मे नो गॉड और आज के मनन का शीर्षक है आप जान सकते हैं और आप जान भी सकते हैं परमेश्वर को बेस्ड ऑन द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 17 वर्स 3 और जिसका वचन हमने लिया है मनन के लिए वो है यहोना रचे सुसमाचार 17वां अध्याय तीसरा वचन व्हाट इज रिटन देयर और अनंत जीवन यह है कि वह तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसने तूने जिसे तूने भेजा है जाने आमेन आमेन इस इज दिस इज इटर्नल लाइफ दैट दे मे नो यू द ओनली ट्रू गॉड एंड जीसस क्राइस्ट टू होम यू हैव सेंट, दैट इज व्हाट इट सेज हियर और इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है नाउ दिस इज इटर्नल लाइफ और यह तो अनंत जीवन है दैट दे मे नो यू अनंत जीवन ये है कि वे तुझे जानने पाए ट्रू गॉड जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है और वो यीशु मसीह जिसे तूने भेजा गॉड और परमेश्वर आनंदित होता है कि वो खुद को हम पर यह प्रकाशन करे ताकि हम उसे जानने रिम्बर ही नोस ऑल और याद रखे वो तो हर एक को जानता है He knows us all and he knows our name. और वो हम में से हर एक को जानता है और हमारे नामों को भी जानता है. He knows us that intimately. और वो इतने गहरे रूप से हमें जानता है. He knows you by your first name. वो आपको आपके पहले नाम से जानता है. He He knew knew Moses Moses, Exodus chapter 33, verse 17. While speaking to Moses, God let him know he knew about the Israelites और जब मूसा से परमेश्वर बात कर रहा था तो उसने इस बात को बताया कि वो इस्राएलियों के बारे में जानता है he knew और वो सैमुअल को भी जानता है जबकि सैमुअल भी उसको नहीं तब जानता था। First Samuel, chapter 3, verses 6 and पहला 7. Samuel, उसका तीसरा अध्याय छठा वचन ही न्यू वो य को भी जानता था When did he नो हिम और वो कब उसे जानता Before था बिफोर ही was बोर्न उससे पहले कि उसका जन्म हो प्रायर टू his बर्थ ही was ordained as अ prophet. और इससे पहले कि उसका जन्म हो परमेश्वर ने यह निश्चित कर दिया कि वो एक नबी बनेगा Jeremiah chapter 1, verse 5. और नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय पांचवा वचन और किंग रखिए राजा साइरस इब्रानी नहीं था He was not born in a Jewish home। और वो एक यहूदी घर में उसका जन्म नहीं हुआ But he ही वॉज before ही वॉज बोर्न और इससे पहले कि उसका जन्म हो उसका नाम रख दिया गया आप इस बारे में नबी उसका अध्याय और वचन को पढ़ सकते हैं और उसके बाद पैतालीसवा अध्याय चौथा वचन इट इज गुड टू रीड दिस और आइए इसे हम पढ़ें हाउ इयर्स बिफोर साइरस वाज़ एवर बोर्न ही बाय गॉड और ये इस बात को दिखाता है ये वचन कि इससे पहले साइरस राजा का जन्म हो उससे पहले ही परमेश्वर ने उसके नाम को रख दिया था Isaiah 44:28 और येशिया नबी 44 उसका 28वां वचन Who says of Cyrus he is my shepherd and will accomplish all that I please he will say of Jerusalem let it be rebuilt and of the temple let its foundations be laid जो के के विषय में कहता है वह मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है और मेरी इच्छा को पूरी करेगा यरुशलेम के विषय में कहता है वह बसाई जाएगी और मंदिर के विषय में तेरी नींव डाली जाएगी अगेन चैप्टर 45 वर्स 4 और उसके बाद पैतालीसवा वचन और पैतालीसवा अध्याय चौथा वचन फॉर जेकब माय सर्वेंट ऑफ सर्वेंट

ंग अबाउट साइरस और यहां पर परमेश्वर साइरस राजा के बारे में बात फुलफिल गॉड्स पर्पज फॉर द पीपल ऑफ इसरायल एंड फॉर द टेम्पल इन जेरूसलम विच वॉज डिस्ट्रॉइड बाई द बाबलोनियन किंग और ताकि वे राजा वो परमेश्वर के उद्देश्य को और योजना को जो इसराइलियों के लिए और मंदिर को पूरा निर्माण करने के बारे में था जिसका नाश कर दिया गया था एम्पायर द मीडो पर्शियन एम्पायर और इसे जब बाबलोनियों का जो साम्राज्य था उन्हें मिटा दिया गया बाबुल के साम्राज्य के बाद पर्स फ़रसियों का साम्राज्य आया द फर्स्ट किंग

बाई दे और ये जो मनुष्यों के बारे में हमने बात करी इन सब को इनके नामों से उसने बुलाया एंड इट से इंटीमसी गिवस एस द फ्रीडम टू कॉल बाई नेम और ये एक बताता है इस बात को कि गहरा रिश्ता हमें इस बात का मौका और एक अधिकार देता है कि हम किसी एक को नाम से पुकारे ही नोस मी वो मुझे जानता है ही नोस यू वो आपको भी जानता है ही नोस अस वो हम सबको जानता है ही नोस माय नेम वो मेरे नाम को जानता है नोस वेयर आई लिव वो जानता है मैं कहाँ रहता ही नोस आवर नेचर वो हमारे स्वभाव को जानता he knows है ही नोस आवर स्ट्रगल वो हमारी परेशानियों को जानता he है ही नोस आवर एबिलिटी वो हमारे तोड़ो और योग्यताओं को जानता And है ही आल्सो नोस आवर वीकनेसेस वो हमारी निर्बलताओं और कमजोरियों को भी जानता है ही नोस आवर वो हमारे भूतकाल He knows our present. वो हमारा वर्तमान जानता है। And he है। knows even our future. और वो हमारा भविष्य भी जानने वाला है। He knows before my mother conceived me, me in her womb. और वो जानता था मेरे बारे में इससे पहले कि मेरी माँ मुझे अपनी कोक में बनाती। Revelation chapters two and three. प्रकाशित वाक्य दूसरा और तीसरा अध्याय। Jesus knows the church. यीशु कलीसिया को भी जानता है. The exact condition of the church. और जो सही में कलीसिया की परिस्थिति है. Jesus knows. यीशु जानता है. Nothing can be hidden from him. क्योंकि कोई भी बात उससे छिपी नहीं रह सकती. He love his love. उसका प्रेम. The Gospel according to Saint John chapter three verse sixteen. यहूदनारचिसु समाचार तीसरा अध्याय सोलवा वचन. Now We too may know God. हम भी परमेश्वर को जान सकते हैं is it possible? क्या ये संभव है Yes, इट इज पॉसिबल हाँ ये संभव है व्हाट अबाउट गॉड व्हाट आर things दैट वी मस्ट वी कैन नो हम क्या जान सकते हैं परमेश्वर के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन नो His लव पहले हम उसका प्रेम जान सकते हैं रीड The Gospel according to St. John, chapter 3, verse 16. And, vavachan, and chapter 13 of the same Gospel, verse 1. Pehla we can know him by.

परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ हे पवित्र पिता अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है इनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हों से आई विल रिमेन इन दर्ल्ड नो लॉन्गर बट दे आर स्टिल इन दर्ल्ड एंड आई एम कमिंग टू यू होली फादर प्रोटेक्ट दम बाय द पावर ऑफ यूर नेम keeping power. आप उसके बचाने और रक्षा करने वाले सामर्थ को जान सकते हैं And then the Holy Spirit helps us to know Him। और उसके बाद पवित्र आत्मा हमारा सहायता करता है कि हम उसे जाने रीड रोमन चैप्टर एट सिक्सटीन रोमियो की पत्र आठवा अध्याय सोलह वचन आप पढ़ सकते हैं एंड देन इट इज मोस्ट वर्थिंग कॉस्ट

और मैं हर एक उस बात को जो मेरे लाभ थी मैं उसे कूड़ा समझता हूँ so, लेकिन अब उस ज्ञान के बारे में जो for, मैं उसको नॉलेज ऑफ जीसस प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान और उसकी वो समझ प्रभु यीशु मसीह के लिए कहीं ज्यादा बहुमूल्य थी किसी और सांसारिक बात से Now, him, और अगर हम उसे बिना जाने जिए

knowledge of Jesus Christ is important to your life and for your eternity. प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान और उसकी समझ आपके जीवन के लिए और आपके अनंत के लिए बहुत आवश्यक है. Spending your eternity in heaven with Jesus depends on how much you know this Jesus. और आपकी कि ये कि आप प्रभु यीशु मसीह के संग अपने अनंत जीवन को बिताएं इस बात पर निर्भर है कि आप कितना इस यीशु को जानते हैं। से बिजनेस पीपल और उसके परिवार के लोग व्यवसायिक लोग मिलन है और वो तो लखपति इंसान था एजुकेशन और बहुत ही शिक्षक Rabbi, teacher, और उसके पास ये सौभागी था कि वो उस समय के सबसे महान शिक्षक के तले उसने तोरा का His position, उसका स्थानी वो तो सदस्य था उस यहूदियों की कमिटीड्रियन yes, का गवर्निंग बॉडी जूविश पीपल और याद रखिए उस समय में ये कमिटी यहूदियों को संभालने वाला उन पर राज्य करने वाला पूरा समूह जब यीशु उसके सामने प्रकट हुआ एवरी हर एक बात को त्याग दिया and he to know Jesus. और वो आगे बढ़ा कि वो यीशु को जानने पाए. Hallelujah. Hallelujah. What a joy to know Him. कितना आनंद की बात है इस यीशु को जानना. You will not be in darkness. आप अंधकार में नहीं होंगे. Lord, we know that we need the Holy Spirit To draw us closer to Jesus. और पिता हम जानते हैं कि हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है कि वो हमें तेरी ओर खींचे चला ले। Let our desire be for the Lord. होने दे हमारी इच्छा परमेश्वर के लिए हो। And we be prepared to give up anything and everything that comes between us and the knowledge of Jesus Christ. और हम हर एक उस बात को त्यागने के लिए तैयार हों जो किसी भी बात को जो प्रभु यीशु मसीह को ज्ञान के पाने के लिए हो।